देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं HTML, और इसके अंतर्गत हम लगा सकते हैं हेड, हेड के अंतर्गत लगा सकते हैं टाइटल। टाइटल में जो भी हमें लिखना हो वो टाइटल हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया लिस्ट टैग, ठीक है। और इसके बाद हम टाइटल को बंद कर देते हैं। इसके बाद हमें डिक्लेयर करते हैं बॉडी टैग। बॉडी के अंतर्गत हम ऑर्डर लिस्ट यदि डिजाइन करना है तो ऑयल टैग का उपयोग करेंगे, ठीक है। और ऑयल के अंतर्गत लिस्ट आइटम, यहाँ पे माने हमने लिस्ट या आवर कोर्सेस हमें इस प्रकार, और कोर्सेस में ऑयल में हमने डिक्लेयर किया DCA, ठीक है। उसका लिस्ट आइटम DCA के अंतर्गत हमें सेमेस्टर दर्शाना है, सॉरी पहले तो ऑयल का ही लिस्ट आइटम खुद LI DCA खुद रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पर LI अगला दर्शा सकते हैं हम PGDC, ठीक है। फिर हम यहाँ पर LI दर्शा सकते हैं BCA, फिर हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं LI MSc या BSc जो भी दर्शाना, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट में क्या बंद कर देंगे, ऑयल को, ऑर्डर लिस्ट ये कंप्लीट हो जाती है। सेव करते समय ऑयल डॉट HTML, लेकिन ऑयल नाम से पहले से सेव है तो अन्य नाम से ऑयल न्यू कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। ऑयल न्यू नाम से ने बनाया, ये आ गया DCA, PGDCA, BCA, MSC, ठीक है। अब हमें लिस्ट की सब लिस्ट बनाना है, तो हम यहाँ पर इस DCA के बाद यहाँ पर लगा सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट यानी UL, और UL के अंतर्गत हम दे सकते हैं सेम फर्स्ट, लेकिन LI हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर हम लगा सकते हैं LI सेम सेकेंड, ठीक है, ये DCA के ऊपर। अब यदि सेम फर्स्ट के अंतर्गत हमें डिक्लेयर करना है उसके सब्जेक्ट, तो यहाँ पर फिर हम लगाएंगे UL अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और उसके अंतर्गत हम डिक्लेयर कर सकते हैं LI, उसका LI क्या होगा, तो यहाँ पर हम उसके सब्जेक्ट डिक्लेयर कर देंगे FC फंडामेंटल कंप्यूटर, फिर यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे हम LI फंडामेंटल के बाद PC पैकेज, और फिर डिक्लेयर करेंगे हम LI MSX, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ऑयल हमने UL हमने स्टार्ट किया है, इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा कहाँ पर, MS एक्सेस के बाद, ठीक है। एंटर करते हैं, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब ये सब लिस्ट में आ रहा है, तो ये अलग है, तो हम यहाँ पर जो PGDCA वाला सेमेस्टर वाला UL हमने स्टार्ट किया था DCA के बाद, ये UL, तो ये UL भी यहाँ पर हम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ जो सेम है ये इससे बाहर हो जाएगा, अब ये सेम भी बाहर हो गया, एक्चुअली हमें सेम के बाद इसको UL को बंद करना है, तो इस UL को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर बंद करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये इससे बाहर, ये सेम PGDCA अलग, ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पर एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो नंबर लिस्ट के अंतर्गत और अनंबर लिस्ट के अंतर्गत सब लिस्ट का यूज हमने देखा है, ठीक है। इसी प्रकार होता है आपका डेफिनेशन लिस्ट। देखिए जैसे यहाँ पर इंस्टॉलेशन एंड यूजर राइट, तो ये ऐसे कैसे हमें डिक्लेयर करना है, तो ये हमारा पॉइंट है डेफिनेशन टर्म, और उसका डिस्क्रिप्शन डिटेल यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार का यदि हमें पॉइंट बनाना हो अपने वेब पेज में,
तो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतना डेटा भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसी का डेफिनेशन टर्म हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये लिस्ट टाइप हो गया, अब डेफिनेशन अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं डेफिनेशन लिस्ट यानी DL का प्रयोग करेंगे, और DL के अंतर्गत दो शब्द हम यूज करते हैं, एक तो DT यानी डेफिनेशन टर्म, ठीक है। तो डेफिनेशन टर्म हमारा क्या होगा वो हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। तो हमारा डेफिनेशन टर्म है इंस्टॉलर इन यूजर राइट, ठीक है। इसके बाद हमारा DD आ जाएगा, DD यानी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, वो हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक ही यहाँ पर इसको एक अलग लाइन में दिया है, इंस्टॉलेशन यूजर राइट और उसका डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट करके दिए। यदि यहाँ पर DD नहीं लगाते हैं तो ये लाइन इसी के साथ में अटैच होकर के आएगी, यानी सब हेडिंग के अंतर्गत इस प्रकार से डिटेल नहीं होगा, ठीक है। और ऑटोमेटिक जितने भी और भी पॉइंट बनाएंगे आप वहाँ पर DD करके उनको डालते जाएँ। यदि आपने नेक्स्ट DD कहीं पर भी यूज़ किया है, जैसे हमने यहाँ पर ये कुछ पॉइंट डाल दिए ABC और ABC के बाद यहाँ से हम एक अलग डेफिनेशन डिटेल डालना चाह रहे हैं, तो DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन DD टैग का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन नहीं है, DD नेक्स्ट। डेफिनेशन जो भी हमें डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन टर्म जो भी डालना है और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन अलग से हो जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम DL DT या और DD का प्रयोग करेंगे, और मेन को बोलेंगे हम DL यानी डेफिनेशन लिस्ट, है ना। जब भी हमें किसी भी इसका डेफिनेशन देना हो तब हम DL का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आप HTML में तीन प्रकार के लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, OL ऑर्डर लिस्ट, UL अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट DL से इसको निरूपित करते हैं। लेकिन OL और UL के अंतर्गत आप LI का यूज़ करते हैं, और DL के अंतर्गत जो है कि आप DT और DD का प्रयोग करते हैं। DT यानी डेफिनेशन टर्म और DD यानी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। टाइप एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ऑर्डर लिस्ट यूज़ किया तो इस ऑर्डर में हमें मिला 1, लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि 1 नहीं आए यहाँ पर ABCD आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर लिस्ट में उसका टाइप डिक्लेयर नहीं किया। यदि हम टाइप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टाइप एट्रीब्यूट, है ना। तो जो टाइप आप चाहते हैं उसके लिए आपको देखना होगा OL के साथ में टाइप A, तो यहाँ पर DCA PGCA में यानी A ओनली दिया हमने, BC नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि A आ गया। यदि हम यहाँ पर देते हैं रोमन का, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑटोमेटिक आ गया। तो टाइप एट्रीब्यूट डिफाइन करता है उसका टाइप लिस्ट का और उसमें क्या चाहते हैं, ठीक है। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं एज इट इज, क्योंकि हम यहाँ पर जो डेटा दे रहे हैं, हम एक लाइन में डेटा देते हैं तो यहाँ पर उस टैग के अकॉर्डिंग डेटा आता है। तो यदि हमें अपने वेब पेज के अंतर्गत कोई टेबल बनानी हो उसके लिए हम यहाँ पर टेबल डिज़ाइन करते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पर सीरियल नंबर, है ना, और ये हम देते हैं बॉडी टैग के साथ सीरियल नंबर। इसके बाद हमने स्पेस दिया, यहाँ पर देते हैं नेम, इसके बाद हम देते हैं यहाँ पर एड्रेस, और यहाँ पर देते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर हमने दिया 01, नेम दिया है यहाँ पर हमने, और एड्रेस हमने दिया, ठीक है, और मोबाइल नंबर जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये दिया और हम इसको PRE से भी सेव कर देते हैं HTML, PRE को जब आप रन करेंगे तो हमने नेक्स्ट लाइन में दिया था, लेकिन ये सब मिक्स होकर के आता तो एक ही लाइन में आता है। तो हम चाहते हैं कि जैसा हमने दिया ऐसा कैसा हमें आउटपुट पे मिले, तो यहाँ पर हम लगाते हैं PRE और लास्ट में हम बंद करते हैं PRE को, ठीक है। प्री फॉर्मेटेड जैसा आपने दिया है वैसा ही आउटपुट में आपको
मिलेगा।